व्यू, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा मॉर्निंग का काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपनी किचन में। हेलो गाइस, अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में मॉर्निंग का काम करने। सबसे पहले मैंने चाय बनाने रख दी है और एक तरफ मैंने दूध उबलने रख दिया आप है। सब कैसे हैं? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, मैं भी शाम अच्छी का हूँ। रूटीन और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 6:30 बज रहे होंगे टाइम हो रहा है पूजा का। मैं पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद में थोड़ा मुझे बाहर जाना है और घर पे खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा मार्केट घूम के आ जाऊँ, वो साग सब्जी लेके आ जाऊँ, उसके बाद में खाना बनाऊँगी। और देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी और उसके बाद में आने के बाद आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। अब मैं बाजार से आ चुकी हूँ और मैंने सब्जी धो के काट ली है। अब मैं इनको जा रही हूँ छौंक लगाने। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सब्जी छौंक रही हूँ और इसमें सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई में डालूँगी तेल। और ये दिखा रही हूँ मैं भिंडी काट ली है और इधर मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च कट कट कर ली है और सब सामान तैयार कर लिया है, मसाले तैयार कर लिए हैं। गैस पर कढ़ाई रख दी है, गर्म हो रही है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी थोड़ा सा, उसके बाद इसको गर्म होने दूंगी। जब थोड़ा सा ये अच्छे से गुनगुना हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब इसमें डालूंगी मैं जीरा। और अब इसमें थोड़ा सा मैंने देखा है चेक करके, हाँ ये गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल दूंगी। उसके बाद जब ये जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। और सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, फिर बच्चे बोले कि मम्मी भिंडी बना लो, तो मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ, बच्चे बोल रहे हैं भिंडी बना देती हूँ, लेकिन इनके पापा भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और ये देखो मेरा जीरा गर्म हो चुका है, फिर ऊपर से मैंने डाल दी है इसमें प्याज। अब प्याज इसमें अच्छे से भुन जाएंगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। और जब तक भून रही है अच्छी तरह से, और जो देखो परी मेरी पढ़ाई कर रही होगी, ये परी पढ़ रही है और फ्यूज़ तो कम पड़ता है, परी तो मेरी फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती है। गला मेरा ऐसे खड़ा हो। और इधर मेरी भिंडी, अब इसमें देख रही हूँ प्याज अच्छे से भुन जाए, उसके बाद उसमें मसाले डालूंगी, वही बेसिक मसाले, हल्दी धनिया लाल मिर्च वही सब डाल के। और ये देखो मैं इधर ये दिखाती जा रही हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो मुझसे कुछ बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही, मुझे ध्यान नहीं, कुछ बोल रही थी वो मुझसे। और देखो स्कूल का ऑनलाइन काम कर रही है वो, जब जब उसका मन होता तब करती है। और इधर मैं खाने बना रही हूँ, जल्दी खाने तैयारी कर रही हूँ ताकि जल्दी खाना बन जाए और बच्चे खा लें। अब देखो सब्जी मेरी लगभग बन चुकी है और इधर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ एक तरफ, सब्जी भी चेक कर ली है, सब्जी बन चुकी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी सब्जी की और इधर रोटियां सेक लूँगी और जल्दी से बच्चों को आवाज़ भी लगा रही हूँ कि बेटा जल्दी आ जाओ, खाना बन चुका है, तो बच्चे भी तैयार है खाने के लिए। और ये सब्जी अभी रोटी बन गई है, तो इनको जल्दी से मैं ये लगा दूँगी, इन्हें सर्व कर दूँगी ताकि जल्दी से खा लें और घर का थोड़ा काम फ्री हो जाए। और इधर देखो ये नीचे से आया था, कुछ चाबी चेक कर रहा था इसमें कि तो कौन सी ताले की चाबी है, तो ये इसकी नहीं थी, कोई और चाबी थी। और मैं इधर किचन में काम कर रही हूँ, मैंने बच्चों के लिए खाना लगा दिया है अब प्लेट में और इनको दे देती हूँ जल्दी से दोनों बच्चे खा लो, कब से भूख भूख चिल्ला रहे हैं, मैं जल्दी खा लें और खा के थोड़ा सा शांत हो जाए।
और ये देखो दोनों के दोनों खाते कम में लड़ते ज़्यादा हैं। इनका तो ये बस लड़ना लड़ना चलता रहता है पूरा दिन, बच्चों को मम्मी देखो हमारे स्नैक्स, ये मेरे कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े तय कर रही बहुत अच्छे स्नैक है, येलो स्नैक कि देखो मुझे इतना खाने दे, इसका नाम है कर्ल्स, थोड़ा सा बहुत ही अच्छे होते हैं ये। अरे देखो ये खाते का यार पागल है क्या गाइस, बच्चे देखो क्या खा रहे हैं ये हमारे कर्ल्स, देखिए बना लिए आप सभी भी खा लो। अब यहां पर कितना खा करते रहते हैं, देखो इधर काम करते करते ही इनके पापा भी आ चुके हैं, लगभग 9 बज चुके हैं और मेरा देखो अभी कपड़े तैयार नहीं हुए। ये कैसे समझाएं इनको, डांस कर रही है इसको पता नहीं कितना शौक चढ़ा है डांस करने का, कितना शौक कर दिया। मैं यहाँ कपड़े तैयार करने लगी पड़ी हूँ। देखो हमारी मम्मी क्या कर रही है, ये देखो देखो कितनी प्यारी लग रहा हूँ मैं, कल पहनूंगी मैं येलो, येलो दिखाऊंगी, तरसो पहनूंगी मैं पिंक, फिर आपको पिंक वीडियो पिंक शर्ट पहन के आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तुम रखो ना ये देखो, कल पहनूंगी देखो इसे मैं, दिखाना पड़ता है बहुत। देखो आप सभी बताना कि आपको ये टी शर्ट अच्छी लगी या फिर ये इन टी शर्टों में से बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। हमारा अब सारा काम हो चुका है और हम सोने जा रहे हैं, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। कमेंट भी करना टी शर्ट कौन सी अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।